दे दो तो फिर हम ना ना आपने आज उद्घाटन किया है कार्यालय का और क्या उसमें कहना चाहते हैं, क्या उम्मीद लग रही है आपको? लोग किसी चक्कर में ना रहें, भारतीय जनता पार्टी 300 प्लस की सीटों के साथ फिर से उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने जा रही है। यहाँ कैंट क्षेत्र से हमारे आदरणीय संजीव अग्रवाल जी भारी बहुमत से विजयी होने जा रहे हैं। पूरी यहाँ के लोगों का जोश, पार्टी के कार्यकर्ताओं का जोश आपको सबको दिखाई दे रहा है, तो इसलिए 300 पार कुछ सुनना ही नहीं है उससे कम पे। और 10 मार्च को यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी दोबारा से शपथ लेंगे। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। प्रत्याशी सुप्रिया आनंद जी कहती हैं कि नए प्रत्याशी खड़ा कराया, मेरे आगे जीत पक्की है, कोई नहीं जीत पाएगा, ये किस पे क्या कहना चाहते? विपक्ष तो कुछ ना कुछ कहेगा ही, लेकिन नया जो होता है वो ज़्यादा प्यारा होता है लोगों को। तो मुझे लगता है कि संजीव अग्रवाल जी कोई बहुत नए भी नहीं हैं, हमारे पार्टी के सह कोषाध्यक्ष प्रदेश हैं, तो बड़े पद पर हैं, सारे लोग उनको जानते हैं, इसलिए कोई राजनीति में वो नए नहीं है। और जब चुनाव की गिनती होगी और जब वोट खुलेंगे तो ईवीएम अपने आप बता देगी कि कौन कितनी तेज़ी से जीत रहा है।